You are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are, you are. The way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch your joy. Hit on this link to watch this video in English. Hi everyone, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ श्रुति, मिस आनंद की बुआ, और उन्हीं की तरह मेरा भी एक YouTube पर चैनल है जिसका नाम है श्रुति अर्जुन आनंद. लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से. सबसे पहले मैं एक बहुत ही ऊंची सी चोटी बनाने वाली हूँ. उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी जो है स्प्रे कर रही हूँ चोटी के चारों तरफ. थोड़ा सा ही छिड़किए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आपको बाल गीले नहीं करने हैं, बस इतना करना है कि जो ऊपर की लेयर है वो हल्की सी गीली हो जाए. इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो आसानी से चिपक जाते हैं एक दूसरे में, और जब आप कंघी करोगे या ब्रश करोगे बालों को तो बहुत ही आसानी से वो स्मूथ दिखेंगे आपके बाल, और चमकदार भी दिखेंगे. अब मैं एक ऐसी कंघी लेने वाली हूँ जिसके जो दांते हैं ना वो बहुत ही पतले हैं. तो आप जब कंघी करोगे इससे तो आपकी चोटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ऐसी लगेगी कि आपके बाल इतने चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत से दिख रहे हैं. तो इसलिए अब मैं छोटी कंघी से कंघी करने वाली हूँ, स्पेशली पीछे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कभी कभी ढंग से अगर कंघी पीछे ना करें तो चाहे कितनी भी खूबसूरत छोटी बनाई हुई आपने, एक घंटे के बाद वो पीछे से लटक जाती है, जो कि अच्छा नहीं लगता. तो सेलिब्रिटी लोग जब अपने पोनीटेल करते हैं तो उनकी कैसे एकदम खूबसूरत से बनी रहती है, इसीलिए क्योंकि वो पीछे से बहुत अच्छे से कंघी करते हैं. तो पीछे से अच्छे से कंघी करिए, और उसके बाद जो है उसको चोटी को जो है मैं सिक्योर करने वाली हूँ एक हेयर बैंड से. कोशिश कीजिए कि एक ऐसी हेयर बैंड ढूंढिए जो ढीली ना हो. ये वाली हेयर बैंड बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें तीन गांठें मैं बांध देती हूँ, और उसके बाद ये जो पोनीटेल है मेरी वो इधर से तस से मस नहीं होगी, वो बहुत ही अच्छे से बनी रहेगी दिन भर. अब हम थोड़ा सा हेयर स्प्रे लेके चारों तरफ स्प्रे करेंगे, और जो बाल जो छोटे छोटे हैं उनको हम ऊपर की तरफ हाथों से चिपकाएंगे. कंघी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपकी पूरी चोटी बर्बाद हो जाएगी. हाथों से जितने भी बाल हैं, क्योंकि हल्का सा स्टिकी होता है स्प्रे तो बड़ी आसानी से बाल चिपक जाते हैं. और आपने देखा होगा टीवी में जब भी किसी सेलिब्रिटी को दिखाते हैं उनकी चोटी कितनी पिक्चर परफेक्ट होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके बाल अमेजिंग होते हैं, सब हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं. तो हम भी करेंगे और एकदम पिक्चर परफेक्ट हेयर स्टाइल बनाएंगे आज. अब जो है मैं एक चोटी का पीछे वाले हिस्से से सारे बालों को स्मूथ कर रही हूँ, और प्लीज़ फ्रंट वाले हिस्से से बिल्कुल मत कीजिएगा, बैक वाले हिस्से से ही कीजिएगा. अब एक डोनट बन लीजिए, और जैसे आप रबर बैंड नहीं लगाते हो वैसे ही डोनट बन को लगा लीजिए. हर जगह मिलता है आजकल, मैंने 100 रुपये में सेक्टर 18 से लिया था, तो आप भी कहीं से भी ले सकते हो, नोएडा से. अब मैं जो भी पोनीटेल के बाल है ना वो इक्वली अच्छे से चारों तरफ फैलाना है, इक्वली भी फैलाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कम है कहीं ज़्यादा, इक्वली फैलाइए. और उसके बाद एक हाफ इंच का सेक्शन वहाँ से निकाल लीजिए. बड़े ध्यान और गौर से इस हिस्से को देखिए, क्योंकि हर बार आपको इतना ही हिस्सा का बाल जो है निकालने होंगे. अब इस हिस्से को मैं तीन भागों में बांट दूंगी, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको सेंटर में रखूंगी, फिर राइट वाले हिस्से को सेंटर में रखूंगी, फिर लेफ्ट वाले हिस्से को सेंटर में रखूंगी, और फिर राइट वाले. तो एक 3 स्ट्रैंड ब्रेड जिसे बोलते हैं वो बन जाएगी. बहुत ही नॉर्मल जो चोटी हम बनाते हैं घर पर वही वाली चोटी हमें बनाना है. 4 इंच तक की लंबी ये ब्रेड आप बनाएं, और उसके बाद जो है डोनट के नीचे से लाते हुए इसे ऊपर की तरफ खींच लीजिए. अब ये जो बचे हुए बाल हैं इसमें एक हाफ इंच सेक्शन जैसे पहले लिया था ना, बिल्कुल उतना ही लेना है, ठीक है? इसमें मिला देते हैं, और इसको कंघी जरूर करना. अगर आप कंघी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है. अब कंघी करने के बाद इसको हम 3 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, फिर लेफ्ट वाले हिस्से को सेंटर में रखेंगे, देन राइट वाले हिस्से को सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट वाले हिस्से को सेंटर में, राइट वाले हिस्से को सेंटर में, और आप एक बस ये आसानी से चोटी बना लेंगे. उसके बाद जो है इसको हम डोनट के नीचे से निकालते हुए ऊपर की तरफ को खींचेंगे, और यही प्रोसेस रिपीट करना है. ध्यान देना है कि हर बार आप कंघी ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं ना वो आप जब एक हाफ इंच का सेक्शन जो है उसमें आप मिलाते हैं तो उसमें लंबे बाल होते हैं, और जो बचे हुए बाल हैं वो छोटे बाल हैं, ठीक है ना? अगर आप उसको कंघी नहीं करोगे तो एक दूसरे के साथ वो मिलेंगे नहीं, और जब आप ये चोटी बना रहे हो ना तो वो जो छोटे छोटे बाल हैं वो चोटी में से ऐसे बाहर निकलेंगे, और वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हैं. तो एकदम अगर आपको सेलिब्रिटी जैसा लुक चाहिए तो प्लीज़ कंघी ज़रूर करिएगा.
और हर बार कोशिश करिए कि उतना ही हिस्सा लें जो हाफ इंच का सेक्शन मैं बोल रही हूँ। बड़े ध्यान से एक ही सेक्शन लीजिए, ताकि कोशिश कीजिएगा कि आपकी सारी चोटियों की जो वॉल्यूम है ना एक बराबर लगे। ऐसा नहीं लगे कि कोई चोटी मोटी है, कोई पतली है, वो अच्छा लुक नहीं आता। सारी चोटी एक सी बनी हुई हो तो हेयर स्टाइल में मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। अब जो है ये मेरा सेकेंड लास्ट जो है वो पीस बचा हुआ है, तो बस मैं ये सेकेंड लास्ट चोटी बना रही हूँ। और जैसे ही ये 4 इंच की बन जाती है, मैं इसको डोनट के नीचे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ पकड़ लूँगी। अब जो बची हुई चोटी के बाल हैं, वो जो भी बाल बचे हुए हैं उनमें मिला के उनको सबसे पहले कंघी करना है और उसके बाद एक और चोटी बनानी है। क्योंकि ये मेरी लास्ट चोटी है, मैं इसको काफ़ी नीचे तक बनाऊंगी और उसके बाद जो है मैं इसको सिक्योर कर दूंगी और बंद कर दूंगी, या फिर एक क्लियर इलास्टिक बैंड से। अगर आपके पास क्लियर नहीं है, कोई कलर्ड वाली है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिखनी तो है नहीं। अब जब ये हो जाए उसके बाद मैं जो है जो बची हुई चोटी है उसको मैं घुमा के इस बन के चारों तरफ जो है छुपा दूंगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो चोटी है इधर उधर हिले, तो इसलिए मैं एक जो जूड़ा वाली पिन होती है ना, यू वाली, उससे सिक्योर कर दूंगी इसको अंदर। तो ये हो गई हमारी हेयर स्टाइल कंप्लीट। देखिए सारी चोटी एक सी हैं, पूरे अच्छे से डोनट को कवर कर रही हैं, तो कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। और हिट करिएगा ज़रूर लाइक बटन अगर आपको ये वाली हेयर स्टाइल पसंद हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल जो है थोड़े पतले होते हैं और डोनट जो है वो पूरा कवर ना कर पाएँ आपकी चोटियाँ, या उतनी चोटियाँ ना बन पाएँ, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो है आप एक एडिशनल स्टेप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड जो है हर एक चोटी का उससे थोड़े से बाल जो है ऐसे खींच रही हूँ। थोड़े से खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा बाल खींचे तो आपकी पूरी चोटी ख़राब भी हो सकती है, पूरी हेयर स्टाइल ख़राब हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा खींचिए, फिर अगर आपको लगता है कि तब भी कवर नहीं कर रहे तो थोड़ा और आप लेफ्ट की जगह राइट से भी खींच सकते हो। बट एक बार में एक ही तरफ से खींचेगा तो आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि आपकी हेयर स्टाइल बिल्कुल एक सी जो है, मैसी भी है बट एक सी ही है। और उसको सील करने के लिए हम थोड़ा सा हेयर स्प्रे लगाएंगे, और उसके बाद जो भी बाल ऊँचे उठ रहे हैं या छोटे छोटे बाल ऊपर आ रहे हैं उनको हम उसी बन में जो है थोड़ा सा प्रेस डाउन कर देंगे, ताकि स्मूथ लगने लगे हमारा बन। यहाँ कंप्लीट होता है हमारी हेयर स्टाइल का सेकेंड भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर एक सिंगल लाइक मुझे और मिस आनंद को बहुत खुश कर देता है। हम वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।